चलिए अब बात अलीगढ़ से, जहां पर अलीगढ़ में बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में भुजपुरा में एक पति ने मामूली झगड़े के बाद अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और क्या है ना, सुबह बिल्कुल सही थे, सुबह वो भी लड़ाई हो रही थी उन्होंने, मैंने उन्होंने कहा वगैरह कि अभी जाऊंगा मैं, तो इतने में मैं काम पे चली गई, इन दोनों को मैं नहीं छोड़ दिया। किस प्रकार, किसने हत्या की, किसने किसने किया है? पापा, पापा ने हमारे। क्या नाम है तुम्हारे पापा? लाल मोहम्मद। थाना कोतवाली अंतर्गत भुजपुरा एक चौकी है, भुजपुरा चौकी अंतर्गत एक लाल मोहम्मद है, वो अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। लगभग एक माह से वो किराए पर रह रहा था। लाल मोहम्मद जैसा उसकी बेटियों ने और उसके साले ने बताया, लाल मोहम्मद नशा करने का आदी था और आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा किया रहता था। विगत रात में भी उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था। आज सुबह लगभग 8 बजे के करीब, सूचना 9 बजे प्राप्त हुई है, 8 बजे के करीब पति पत्नी में झगड़ा हुआ। इस झगड़ा पर उन्होंने अपने पत्नी का घर में रखे चाकू से ही गला रेत के हत्या की। तत्काल सूचना मिलने पर मौके पे हम लोग गए, मौके पर घटनास्थल को देखा, उसकी बेटियों से और जो उसके साले हैं सबसे पूछताछ की, मकान मालिक से पूछताछ की। यह पता चला कि उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है, उसके पति की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई। आरोपी करता क्या था? ये आरोपी नॉर्मली तो ये कोई काम नहीं करता था, बस ये अचार का काम लेकर के अचार बेचा करता था। लेकिन जैसा इसके परिवार में कहना है कि बच्चे और पत्नी यही मिलकर के पूरा खर्चा चलाते थे, वो नशा करने का आदत।